viewers how to write a C program on different platforms. Today we will learn this. First is a DOS. DOS, disk operating system, in which you can write a C program by using DOS editor. DOS editor के use करने के लिए C prompt पे edit और program का नाम और .c extension लिखना पड़ेगा. Use DOS editor and save a program with .c extension. और C में जाकर इसको run करेंगे. Turbo C. It provides its own editors which can be used for writing the program. Only we have to give full path name of executable file of Turbo C. अब उसके लिए Turbo C में जा करके bin में जा करके tc.exe फाइल को जब हम रन करेंगे तो उसका pre-made menu आ जाएगा जहाँ पे हमें प्रोग्राम लिख करके सिर्फ सेव कर देना है. tc.exe stored in a bin subdirectory of Turbo C directory. As you go to the menu, just type a program and save. Automatically gets the extension .c. Then next is a Unix. अगर आपको Unix आता और उसमें C करना है तो आपको कुछ editors आने चाहिए जिसमें VI, Emacs या XEdit में से कोई भी एक editor अगर आप आता है आपको तो आप C का program लिख सकते हैं. We can write, edit or save C program in Unix with .c extension. For that dollar prompt पे vi textprop.c लिखेंगे और अपने प्रोग्राम को लिख के सेव कर देंगे और कोई एडिटिंग है तो एडिट कर देंगे. अब उसको कंपाइल करने के लिए cc testprop.c minus o testprop लिखेंगे तो this will compile the testprop.c and make a exe file. If error, the object and exe file will not be generated. अगर कोई इसमें error होगी तो वो object file और exe file को नहीं बनाएगा. Visual Studio में C++ का एक module होता है जिसमें जाकर हम C++ के programs को जिसमें C के program को लिख करके save करके edit करके कंपाइल करके रन कर सकते हैं. सेम एज Turbo C. टाइप्स ऑफ एरर. अब जब कंपाइल करते हैं तो कुछ एरर आती है. वो एरर कितने तरह की होती है. पहला है सिंटैक्स एरर. सी हैज सब सिंटैक्स रूल्स व्हेन अ सी प्रोग्राम रिटन इन दैट लैंग्वेज लैंग्वेज हैज फॉलो द रूल ऑफ द ग्रामर एंड इफ देयर इज एनी सिंटैक्स एरर इन अ प्रोग्राम those will be displayed on the screen with the corresponding line number. Hash include studio.h. main curly bracket left printf welcome और उसके बाद space. अब इस प्रोग्राम में एरर क्या है कि पहली लाइन में studio.h को क्लोज नहीं किया गया है राइट एंगल से और मेन में कोई एरर नहीं है. करली ब्रैकेट मेन फंक्शन का ओपन हुआ सही है. प्रिंट एफ वेलकम अब यहाँ पे सेमी कोलन से नहीं लगाया गया तो स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कोलन एरर आ जाएगी. और फिफ्थ लाइन में कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ मेन फंक्शन मिसिंग करली ब्रैकेट एरर आएगी. तो इस तरह से तीन एरर इस प्रोग्राम में है जो सिंटैक्स एरर है. जिस तरह से लिखना चाहिए स्टेटमेंट को वैसे नहीं लिखा है. देन लिंकर एरर. व्हेन अ प्रोग्राम कंपाइल सक्सेसफुली बट द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज नॉट प्रेजेंट इन द हेडर फाइल देन द exe फाइल विल बी नॉट जनरेटेड. दिस काइंड ऑफ एरर इज कॉल्ड लिंकर एरर. जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और ऑब्जेक्ट कोड आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में नहीं होता है तो आपकी exe फाइल नहीं बनती और इस तरह के एरर को हम लिंकर एरर कहते हैं क्योंकि प्रोग्राम लिंक नहीं होकर हो पाता और exe फाइल नहीं बनती है. देन लॉजिकल एंड रन टाइम एरर. आप करना कुछ और चाहते हो प्रोग्राम की को लिखते कुछ और है तो प्रोग्राम में लॉजिकल एरर आती है. व्हेन प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड लिंक सक्सेसफुली वी एग्जीक्यूट प्रोग्राम. Now there are three possibilities.
अब आपका प्रोग्राम तो कंपाइल हो गया, आप बड़े खुश हो गए कि प्रोग्राम सही है, लेकिन आपने उसमें लॉजिकल एरर कर रखी है। उससे क्या होगा, अगर प्रोग्राम, तीन पॉसिबिलिटी होगी, या तो प्रोग्राम का करेक्ट रिजल्ट आएगा या तो प्रोग्राम का रॉन्ग रिजल्ट आएगा। जब रॉन्ग रिजल्ट आएगा दैट मीन्स कि प्रोग्राम में लॉजिकल एरर है। आप प्लस करना चाह रहे थे, आपने माइनस कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो आपका रिजल्ट रॉन्ग हो जाएगा। दो द प्रोग्राम इज कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एरर आपकी आएगी और प्रोग्राम में लॉजिकल एरर होगी। द प्रोग्राम डज नॉट एग्जीक्यूट कंप्लीटली एंड अबॉर्ट इन बिटवीन। अब अगर प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट किया और वो रन नहीं हुआ और बीच ही में रुक गया, तो वो रन टाइम एरर होगी। लॉजिकल एरर इज करेक्ट बाय डिबगिंग। लॉजिकल एरर तो डिबगिंग से सही हो जाएगी, लेकिन रन टाइम एरर आपकी नहीं सही हो पाएगी, क्योंकि आपका वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है प्रोग्राम। तो डिबगिंग क्या है? डिबगिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम, मींस स्टेप बाय स्टेप चेकिंग एंड वेरीफाइंग द रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम टू करेक्ट एरर। डिबगिंग इज डन बाय ट्रेसर गिवन बाय अ टर्बो सी। सो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम की एरर को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो सिंटैक्स एरर हो, चाहे लिंकर एरर हो, चाहे लॉजिकल और रन टाइम एरर। और जब आपका प्रोग्राम पूरी तरह से एरर फ्री हो जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड नाउ आई विल शो यू हाउ टू डू इट इन प्रैक्टिकल। हाउ टू राइट अ प्रोग्राम इन टर्बो सी। First of all, you have to click the Turbo C shortcut, double click, then this menu will come. जब आप Turbo C++ को Windows 7 में या विंडो में क्लिक करिएगा उसके शॉर्टकट कर, तो आपका इस तरह का मेनू आ जाएगा। Now click on file open a new program. Here you have to write the simple C program. First of all, you include stdio.h जो standard input output के लिए सी प्रोग्राम में जरूरत होती है। अब हम लोग ने वहाँ पे देखिए राइट एंगल नहीं लगाया था। अब इसको आप रन करिएगा तो देखिए ये एरर एक दे रहा है। अब इसको एंटर करिएगा तो देगा नो फाइल नेम एंडिंग, यही एरर तो हमने बताई थी आपको। अब इसके बाद इसको क्लोज कर दीजिए। अब हमने लिखा मेन, मेन लिखने के बाद हमने करली ब्रैकेट लगाया, इसके बाद प्रिंट एफ लिखा, वेलकम लिखा, कोट्स क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज किया, लेकिन सेमी कोलन नहीं लगाया। अब जब आप प्रोग्राम को रन करिएगा तो देखिए दो एरर आ गई, वार्निंग एक आ गई। तो एंटर करिएगा तो वो दिखाएगा स्टेटमेंट मिसिंग सेमी कोलन, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, देखिए करली ब्रैकेट नहीं लगा, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अब वार्निंग क्या है कि फंक्शन हमेशा वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो अब इसको सही कैसे करेंगे, हम लोग सेमी कोलन लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करने से पहले लिखेंगे रिटर्न जीरो। अब जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम प्रोग्राम को टर्मिनेट करना चाहते, ख़त्म करना चाहते, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑल्टर आर जब हम करेंगे और रन को क्लिक करेंगे तो देखिए अब
ना कोई वार्निंग आएगी ना कोई एरर आएगा। और अगर आपको आउटपुट देखना है तो ऑल्टर F5 दबाइएगा तो देखिए आपका वेलकम आउटपुट आ गया। तो इस तरह से हम सी में प्रोग्राम को लिखते हैं। और अब यहाँ पे फाइल को हम सेव कर देंगे, सेव करेंगे तो उसका कुछ नाम दे देंगे। मान लीजिए हमने दिया try.c, तो उस नाम से प्रोग्राम सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कैसे ये आया तो डॉट शेल में जाएंगे, यहाँ पे dir करेंगे /w करेंगे, dir try डॉट स्टार करेंगे, तो ये देखिए ट्राई की सी बन गई, ट्राई की cpp बन गई, है ना। तो ट्राई की प्रोग्राम बन गया। अब यहाँ से एग्जिट करना है, एग्जिट कर जाइए। तो इस तरह से डॉस में भी हम जा सकते हैं और विंडो में भी हम रह सकते हैं और हम अपने सी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल टुडे व्यूअर। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रतन अग्रवाल IT इन्फॉर्मर। थैंक यू।